हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो टुडे सब्जेक्ट इज़ फार्मास्यूटिक्स एंड टॉपिक इज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत हमें पढ़ना है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट के इसके पहले वाले वीडियो में हम ऑइंटमेंट क्या होता है, ऑइंटमेंट का क्लासिफिकेशन बता चुके हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑइंटमेंट बेसिस क्या होते हैं। तो द ऑइंटमेंट बेस इज दैट सब्सटेंस और पार्ट ऑफ एन ऑइंटमेंट प्रिपरेशन विच सर्व्स एज कैरियर और व्हीकल फॉर अ मेडिकामेंट। ऑइंटमेंट बेसिस एक सब्सटेंस होते हैं या एक पार्ट होते हैं ऑइंटमेंट का, जो कि प्रिपरेशन में एज अ कैरियर एज अ व्हीकल किसी मेडिकामेंट के लिए एज अ कैरियर या एज अ व्हीकल वर्क करते हैं। एन आइडियल ऑइंटमेंट बेस शुड बी इनर्ट। एक आइडियल ऑइंटमेंट बेस क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, कंपेटिबल विद स्किन होना चाहिए, नॉन इरीटेटिंग होना चाहिए, शुड रिलीज द इनकॉर्पोरेटेड मेडिकामेंट रेडली और मेडिकामेंट को बहुत ही जल्दी एक्ट करने के लिए एक्ट कर सके मेडिकामेंट जिसमें बहुत जल्दी। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट। ओलिजीनियस ऑइंटमेंट बेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट बेसिस, वाटर मिसिबल ऑइंटमेंट बेसिस एंड वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट बेसिस। अब आते हैं ओलिजीनियस ऑइंटमेंट बेसिस। तो क्या होते हैं ओलिजीनियस? दीज बेसिस कंसिस्ट ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। ये बेसिस क्या होते हैं, ऑयल और फैट से कंसिस्ट होते हैं। दे द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द हाइड्रोकार्बन। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हाइड्रोकार्बन होता है। लाइक एग्जाम्पल है पेट्रोलियम, पैराफिन एंड मिनरल ऑयल्स। द एनिमल फैट इंक्लूड्स लार्ड। एनिमल फैट भी इसमें इंक्लूड होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मटीरियल कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट डिजायर्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी। जो मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है, इन मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो एक डिजायर्ड मेल्टिंग पॉइंट और विस्कोसिटी पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन बेसिस। तो एब्जॉर्प्शन बेसिस क्या होते हैं? द टर्म एब्जॉर्प्शन बेस इज यूज टू डेनोट द वाटर एब्जॉर्बिंग एंड इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी। एब्जॉर्प्शन बेस किस लिए डेनोट करता है? वाटर एब्जॉर्बिंग या इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी को। दीज बेसिस आर नॉट डिजायरेबल देयर एक्शन ऑन द स्किन। ये डिजायर्ड मतलब कोई एक्शन नहीं दिखा पाते स्किन पे। दीज बेसिस आर जनरली एनहाइड्रस। ये बेसिस एनहाइड्रस होते हैं। सब्सटेंस विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग, वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है। कंसिडरेबल क्वान्टिटी ऑफ वाटर येट रिमेनिंग इट्स ऑइंटमेंट लाइक कंसिस्टेंसी। कंसिडरेबल वाटर की क्वांटिटी कंसिडरेबल होती है और रिमेनिंग जो होती है वो ऑइंटमेंट लाइक उसकी कंसिस्टेंसी के लिए होती है। द प्रिपरेशन ऑफ दिस टाइप डू नॉट कंटेन वाटर। ये इस टाइप की प्रिपरेशन वाटर कंटेन नहीं करती हैं। एज अ कंपोनेंट, एज अ कंपोनेंट वाटर नहीं कंटेन करती है ऑफ देयर बेसिक फार्मूला। बट इट इफ़ वाटर इज इनकॉर्पोरेटेड, अगर वाटर उसमें प्रेजेंट है तो वाटर अपॉन ऑयल इमल्सन बन जाता है। ठीक है, फिर आते हैं वाटर मिसिबल। वाटर मिसिबल बेसिस, वाटर मिसिबल बेसिस क्या होते हैं? दे आर मिसिबल विद एन एक्सेस ऑफ वाटर। ऑइंटमेंट मेड फ्रॉम वाटर मिसिबल बेसिस और ईजिली रिमूव्ड फ्रॉम। ये क्या होते हैं, वाटर की ज़्यादा मात्रा मिक्स हो जाते हैं। ऑइंटमेंट मेड फ्रॉम वाटर मिसिबल बेसिस, ऑइंटमेंट जो है वाटर मिसिबल बेसिस से बनाया जाता है, वो ईजिली रिमूव हो जाता है। ठीक है, देयर आर थ्री ऑफिशियल एनहाइड्रस वाटर मिसिबल बेसिस। इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट कंटेन एनायनिक इमल्सीफायर। सिट्रीमाइड इमल्सीफाइंग ऑइंटमेंट कंटेन कैटायनिक इमल्सीफायर और कीटोमाक्रोगोल इमल्सीफाइंग ऑइंटमेंट कंटेन नॉन आयनिक इमल्सीफायर। यूज दे आर यूज टू प्रिपेयर द ऑयल अपॉन वाटर क्रीम एंड ईजली रिमूवेबल विद बेसिस। ये क्या होता है, ये ऑयल अपॉन वाटर क्रीम में यूज़ किया जाता है और ये ऑइंटमेंट बेसिस है, ईजिली रिमूव हो जाता है। कंपाउंड बेंजोइक ऑइंटमेंट यूज एज एंटी फंगल ऑइंटमेंट। कंपाउंड बेंजोइक एसिड ऑइंटमेंट एंटी फंगल ऑइंटमेंट की तरह यूज़ किया। फिर आते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस। वाटर सॉल्युबल बेसिस कंटेन ओनली द वाटर सॉल्युबल इन्ग्रीडियंट एंड नॉट द फैट्स और अदर ग्रीसी सब्सटेंस। हेंस दे आर नोन एज ग्रीसलेस बेसिस। वाटर सॉल्युबल बेसिस क्या होते हैं, केवल वाटर
वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट कंटेन करते हैं ये, नॉट ना तो इसमें फैट होता है और ना अदर ग्रीसी सब्सटेंस होते हैं। दे आर नोन एज ग्रीसलेस बेसेस, इन्हें ग्रीसलेस बेसेस भी कहते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसेस कंसिस्ट ऑफ वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट सच एज पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल पॉलीमर विच आर प्रॉपरली नोन एज कार्बोवैक्सेस एंड कॉमर्शियली नोन एज मार्कोगोल्स। They are the range of the compound within the general formula CH2OH, CH2O, CH2 ka whole N and CH2OH. The polyethylene glycol are the mixture of polycodensons products of ethylene and water, and they are described by the number representing their average of molecular weight. अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। तो प्रिपरेशन, अ वेल मेड ऑइंटमेंट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस। जो वेल ऑइंटमेंट होता है वो यूनिफॉर्म होना, मिक्सर जो होना चाहिए उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए और फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस, खुरदुरेपन से दूर होना चाहिए, ठीक है, फ्री होना चाहिए। टू मिक्सिंग टेक्निक्स आर फ्रिक्वेंटली यूज इन मेकिंग, टू मिक्सिंग फ्यूज़न और ट्रैचुएशन। फ्यूज़न इन विच इंग्रेडिएंट आर मेल्टेड टुगेदर एंड स्टर्ड टू इंश्योर द होमोजेनिटी। इसमें क्या होता है, इंग्रेडिएंट को एक साथ मेल्ट किया जाता है और स्टर किया जाता है उसकी होमोजेनिटी को इंश्योर करने के लिए। ट्रैचुएशन इन विच फाइनली सब डिवाइडेड इन सॉल्यूबल मेडिकामेंट। इसमें क्या करते हैं, फाइनली सब डिवाइडेड इन सॉल्यूबल मेडिकामेंट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ग्राइंडिंग, और इसे ग्राइंडिंग के थ्रू मिक्स किया जाता है एंड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड किया जाता है और वन ऑफ इट्स इन्ग्रेडियंट फॉलोड बाई डाइल्यूशन। एक इन्ग्रेडियंट डाइल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है विद ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द बेस, ठीक है। फिर आते हैं ऑइंटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूज़न मेथड। फ्यूज़न मेथड से कैसे, व्हेन द ऑइंटमेंट बेस कंटेन अ नंबर ऑफ सॉलिड इंग्रेडिएंट्स सच एज द वाइट बीस वैक्स, सिटाइल अल्कोहल, स्टराइल अल्कोहल, सिट्रिक एसिड, हार्ड पैराफिन एंड द कंपोनेंट ऑफ द बेस, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्टेड देम। द मेल्टिंग कैन बी डन इन टू मैथड्स। मैथड वन क्या है, द कम्पोनेंट आर मेल्टेड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। कंपोनेंट जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेल्ट किया जाता है देयर, उनके मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से, उनका मेल्टिंग पॉइंट जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे कंपोनेंट यूज़ करते जाएंगे। द हायर मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस शुड बी मेल्टेड फर्स्ट। जो हायर मेल्टिंग पॉइंट का सब्सटेंस होगा उसे सबसे पहले मेल्ट करेंगे, फिर सब्सटेंस विद नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट का जो सब्सटेंस होगा उसे फिर मेल्ट करेंगे, सो ऑन। द मेडिकामेंट इज एडेड स्लोली। मेडिकामेंट को स्लोली ऐड करेंगे इन द मेल्टेड इंग्रेडिएंट में एंड स्टिर थ्रोली अनटिल द मास कूल डाउन, और स्टिर करेंगे जब तक कि वो मास कूल डाउन ना आ जाए और होमोजीनियस प्रोडक्ट फॉर्म ना हो जाए, ओके। फिर एडवांटेज आते हैं, दिस विल अवॉइड ओवर हीटिंग द सब्सटेंस having low melting point, जिनकी melting point low हो उनको overheating avoid करनी है उनके लिए, ठीक है। method second क्या है, all the component are taken and subdivided state and the melted together, और सभी component को लेंगे और सभी को melt करेंगे और एक साथ mix करेंगे। advantage क्या होता है, the maximum temperature reached is lower than method one में, इसका maximum temperature जो होता है वो method one से कम तक ही reach पहुँच पाता है and less time of taken possibly, और कम time लेता है due to the solvent action की वजह से कम time लेता है of the lower melting point substance on the rest of the ingredient। फिर उसके बाद हम आते हैं सिंपल ointment कैसे बनता है। वूल फैट, हार्ड पैराफिन, कोलेस्ट्रॉल, अल्कोहल सिटेस्ट्राइल अल्कोहल और वाइट सॉफ्ट पैराफिन।
टाइप वन टाइप ऑफ प्रिपरेशन एब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट बेस के थ्रू, हार्ड पैराफिन एंड साइटोस्टराइल अल्कोहल आर ऑन वाटर बाथ, वूल फैट एंड सॉफ्ट पैराफिन आर मिक्सड एंड स्टर्ड अंटिल द वाटर बाथ पेपर है। हार्ड पैराफिन और सिटाइल सीटोस्टराइल अल्कोहल को मेल्ट करेंगे और उसके बाद सॉफ्ट पैराफिन को मेल्ट करके उसके साथ एक साथ मिक्स करेंगे। इफ़ रिक्वायर्ड डिकेंटेड एंड स्ट्रेंड द स्टर्ड अंटिल कोल्ड एंड द पैक्ड इन द सुटेबल कंटेनर, और उसे सुटेबल कंटेनर में पैक कर देंगे। ऑइंटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द ट्राइचुएशन मेथड। ट्राइचुएशन मेथड से कैसे ऑइंटमेंट प्रिपेयर्ड करते, दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन द बेस और लिक्विड प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। इस मेथड में क्या करते हैं, जो बेस होता है वो एप्लीकेबल होता है और लिक्विड जो होता है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉलिड आर फाइनली पाउडर्ड आर प्रेस्ड थ्रू द सीव नंबर 250, 180 या 125। जो सॉलिड फाइन पाउडर हो वो फाइन सीव नंबर 250 या 180 या 125 से पास आउट होना चाहिए। फिर क्या है, द पाउडर इज टेकन ऑन ऑइंटमेंट स्लैब। पाउडर को ऑइंटमेंट स्लैब पे टेक ले लेंगे एंड ट्राइचुएट विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस के साथ ट्राइचुएट करेंगे एंड स्टील स्पैचुला अलोंग विद ब्रॉड ब्लेड इज यूज। स्टील स्पैचुला जो है वो ब्रॉड ब्लेड के साथ इसमें यूज करेंगे। टू दिस एडिशनल क्वान्टिटी ऑफ द बेस आर इनकॉर्पोरेटेड एंड ट्राइचुएटेड अंटिल द मेडिकामेंट इज मिक्सड विद द बेस। इसे क्या करेंगे, मेडिकामेंट और जो इनकॉर्पोरेटेड ट्राइचुएटेड पार्ट है उसको एक साथ मिक्स करेंगे। फाइनली लिक्विड इन्ग्रीडियंट आर इनकॉर्पोरेटेड। लिक्विड इन्ग्रीडियंट जो है वो इनकॉर्पोरेटेड होगा। द अवॉइड लॉस ऑफ स्प्लैशिंग, जो स्प्लैशिंग हुई है उसको अवॉइड करेंगे एंड द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज पोर्ड इनटू द डिप्रेशन। जो लिक्विड जो है उसको पोर करेंगे स्मॉल वॉल्यूम में एंड द ऑइंटमेंट इज थ्रोली इनकॉर्पोरेटेड बिफोर मोर ऑफ एडेड इन द सम वे। फिर स्प्लैशिंग इज मोर ईजली कंट्रोल्ड इन द मोर्टर एंड देन ऑन अ टाइल। तो वाइट फील्ड ऑइंटमेंट कैसे बनाएंगे, फार्मूला है बेंजोइक एसिड इन फाइन पाउडर के फॉर्म में लेंगे 6 ग्राम, सैलिसिलिक एसिड इन फाइन पाउडर के फॉर्म में लेंगे 3 ग्राम एंड इमल्सीफाइंग ऑइंटमेंट लेंगे 91 ग्राम। मेथड, बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड आर सीव्ड थ्रू 120। बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड को क्या करेंगे, पास आउट करा लेंगे 180 नंबर सीव से। दे आर मिक्सड ऑन द टाइल, उसको एक टाइल पे मिक्स करेंगे एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस एंड लेविगेटेड अंटिल स्मूथ द डाइल्यूट ग्रेजुअली। और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस लेके उसको एक साथ ट्राइचुएट करेंगे और उसे जब तक वो स्मूथ ना बन जाए। फिर ऑइंटमेंट प्रिपरेशन बाय द केमिकल रिएक्शन। ऑइंटमेंट केमिकल रिएक्शन के थ्रू कैसे प्रिपेयर्ड करेंगे, केमिकल रिएक्शन वर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल फेमस ऑइंटमेंट ऑफ द पास्ट एंड स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरिक नाइट्रेट ऑइंटमेंट बोथ ऑफ द 1959। केमिकल रिएक्शन जो है उसमें बहुत से ऑइंटमेंट पास्ट में बनाए गए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरिक नाइट्रेट ऑइंटमेंट जो कि 1959 में बनाया गया। ठीक है, ऑइंटमेंट कंटेनिंग फ्री आयोडीन, वो ऑइंटमेंट जो फ्री आयोडीन कंटेन करते हैं। आयोडीन इज़ ओनली स्लाइटली सॉल्यूबल इन द मोस्ट फैट्स आर ऑयल बट रेडली सॉल्यूबल। क्या होता है, आयोडीन जो होता है वो स्लाइटली सॉल्यूबल होता है इन मोस्ट फैट्स में, ज़्यादातर फैट्स में, लेकिन ऑयल में वो रेडली सॉल्यूबल होता है, मतलब जल्दी आयोडीन इज़ रेडली सॉल्यूबल इन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। आयोडीन जो है वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में भी बहुत जल्दी सॉल्यूबल हो जाता है ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड हो गया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस और उसके मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनके साथ भी। दिस सॉल्यूशन में भी इनकॉर्पोरेटेड एंड एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ ऑइंटमेंट, ये सॉल्यूशन जो है वो इनकॉर्पोरेट होता है एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस पे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आयोडीन ऑइंटमेंट
स्ट्रॉन्ग आयोडीन ऑइंटमेंट इज यूज टू ट्रीट द रिंग वॉर्म इन कैटल. रिंग वॉर्म कैटल में रिंग वॉर्म जो हो जाते हैं उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. इट कंटेन फ्री आयोडीन, इनमें फ्री आयोडीन होता है. एट वन टाइम दिस टाइप ऑफ ऑइंटमेंट वर यूज्ड एज काउंटर इरिटेंट. एक टाइम पे इसमें जो ऑइंटमेंट होता है वो काउंटर इरिटेंट की तरह यूज़ किया जाता है. ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रूमेटिक डिजीज, बट दे वर नॉट पॉपुलर बिकॉज. ये रूमेटिक डिजीज़ के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है, पर ये बहुत पॉपुलर नहीं है. क्यों? क्योंकि दे स्टेन द स्किन अ डीप रेड कलर. ये क्या करते हैं, स्किन को डीप रेड कलर में स्टेन कर देते हैं. ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज द वाटर डाइज अप. इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से क्या होता है, वाटर जो होता है वो ड्राई हो जाता है. एंड द आयोडीन क्रिस्टल इरीटेट द स्किन, और जो आयोडीन क्रिस्टल होते हैं वो स्किन को इरीटेट करने लगते हैं. हैंस ग्लिसरॉल वॉज समटाइम्स टू डिजॉल्व द आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड कॉम्प्लेक्स. के क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है, ग्लिसरॉल को यूज़ किया जाता है उसको आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व करने के लिए इंस्टेड ऑफ द वाटर. फिर अब आते हैं एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग आयोडीन ऑइंटमेंट कैसे बनाएंगे. आयोडीन लेंगे, वूल फैट, येलो सॉफ्ट पैराफिन, पोटेशियम आयोडाइड और वाटर. पहले क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड को डिसॉल्व करेंगे वाटर में और आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड के साथ डिसॉल्व करेंगे. वूल फैट एंड येलो सॉफ्ट पैराफिन आर मेल्टेड टुगेदर. वूल फैट और येलो सॉफ्ट पैराफिन को एक साथ मेल्ट करेंगे वाटर बाथ में. एंड मेल्टेड मास इज कूल्ड अबाउट, और मेल्टेड मास जो होगा उसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करेंगे. फिर आयोडीन सॉल्यूशन जो है उसको मेल्टेड मास में डिसॉल्व करेंगे. एंड मास क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ कंटिन्यूअस स्टिरिंग के साथ. एंड यूनिफॉर्म मास इज ऑब्टेंड, और यूनिफॉर्म मास ऑब्टेन कर लेंगे. इट इज़ कूल्ड रूम टेम्परेचर एंड पैक्ड, जैसे रूम टेम्परेचर पे कूल करेंगे और पैक कर देंगे. यूज़ किस लिए होता है, रिंग वॉर्म इन कैटल, कैटल में जो रिंग वॉर्म हो जाते हैं. फिर आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट बाय इमल्सिफिकेशन. ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन बाय इमल्सिफिकेशन. एन इमल्शन सिस्टम कंटेन ऑयल फेज एंड एक्वस फेज. इमल्शन क्या कंटेन करता है, एक ऑयल फेज और एक एक्वस फेज एंड एन इमल्सिफाइंग एजेंट और एक इमल्सिफाइंग एजेंट. फॉर ऑयल अपॉन वाटर इमल्सन्स सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट. ऑयल अपॉन वाटर के लिए बहुत से इमल्सिफाइंग, जैसे वाटर सॉल्यूबल सोप, सिटाइल एल्कोहल, ग्रिसलिन मोनोस्टीरेट, कॉम्बिनेशन ऑफ इमल्सिफायर जैसे ट्राइथोनालमीन और स्टीरेट एंड सिटाइल एल्कोहल. नॉन आयनिक इमल्सिफाइन में ग्लिसरीन मोनोस्टीरेट एंड ग्लिसरीन मोनोइलेट एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल स्टीरेट. ठीक है. फॉर वाटर अपॉन ऑयल इमल्शन क्रीम है. फॉर इमल्सिफायर आर यूज पॉलीवेलेंट आयंस लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आर यूज्ड. कॉम्बिनेशन ऑफ इमल्सि बीस वैक्स प्लस डाइवेलेंट कैल्शियम आयन. अब आते हैं द विस्कोसिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ द क्रीम प्रिवेंट कोलसिंस ऑफ द इमल्सिफाइड फेजेस एंड द हेल्प ऑफ स्टेबलाइजिंग ऑफ द इमल्शन. अब आते हैं कोल्ड क्रीम को बनाने के प्रोसीजर. वाटर मिसिबल कंपोनेंट जो होंगे, जैसे ऑयल, फैट, वैक्सेज आर वाटर इमिसिबल जो कंपोनेंट होंगे, जैसे ऑयल, फैट, वैक्सेज और उनको मेल्ट करेंगे एक साथ वाटर बाथ पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे. और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल हीट स्टेबल वाटर सॉल्यूबल कंपोनेंट, जो एक्वस सॉल्यूशन होंगे या हीट स्टेबल वाटर सॉल्यूबल कंपोनेंट होंगे उन्हें 70 डिग्री पर हीट करेंगे. एक्वस सॉल्यूशन इज स्लोली ऐड टू मेल्टेड बेसिस. एक्वस सॉल्यूशन को स्लोली ऐड करेंगे मेल्टेड बेस पे विद कंटिन्यूअस स्टिरिंग के साथ अंटिल द प्रोडक्ट कूल्स डाउन. वो प्रोडक्ट कूल डाउन हो जाएगा एंड द सेमी सॉलिड मास इज ऑब्टेन, और सेमी सॉलिड मास जो है वो ऑब्टेंड हो जाएगा. सो थैंक यू.